नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। साथियों, जो इस टाइम कोरोना की बीमारी चल रही है, उसमें ज़्यादातर लोगों का ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, यानी कि कहें तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है हमारे शरीर में धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे कि आदमी की तबीयत बिगड़ती चली जाती है। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, वही एक देखने का तरीका है कि आपके शरीर में कितना ऑक्सीजन है। तो ये देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर है, इसको आप अंगुली के बीच वाले अंगुली में लगाएंगे, यानी कि बीच वाली अंगुली को लगाएंगे और इसके बाद प्रेस कर देंगे इसकी बटन को। अब ये बताएगी कि आपका कितना जो है ऑक्सीजन कितना है। देखिए, ऑक्सीजन 99। साथियों, इसमें देखिए ऑक्सीजन 99 बता रही है और 82 पल्स दिखा रही है, यानी कि जो ये मशीन है 99 ऑक्सीजन दिखा रही है, 82 पल्स दिखा रही है, यानी कि जो हमारी हार्ट बीट होती है उसको दिखा रही है। तो ये बहुत ही बेहतर है, यानी कि जब आपको लगे कि आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, सांस फूल रही है, यानी कि ब्रीदलेसनेस है, तो आप पल्स ऑक्सी से अपना चेक कर सकते हैं कि आपके शरीर में कितना ऑक्सीजन है और पल्स कितनी है। तो साथियों, इसमें जो है 83 और उसके साथ साथ 99 जो है कि हमारा कहें तो जो दिल की धड़कन है वो 83 बता रही है और 99 ऑक्सीजन का सैचुरेशन बता रही है। तो ये बहुत ही बेहतर यानी कि गुड माना जाता है। लेकिन ये आप जान लीजिए, यदि 94 यानी कि 94 से ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी घबराहट कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन 90 से यानी कि 94 से ऊपर है तो वो सेफ जोन में हैं। उसके बाद 94 से 90 के बीच में, यानी कि कुछ लोगों का ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन 94 से 90 के बीच में होता है तो माइल्ड लो होता है, यानी कि बहुत हल्का लो में आता है। इससे आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल दवा के साथ साथ, यानी कि जो दिक्कत हो रही है आपको दवा लेनी है, दवा लेने के साथ साथ बेड पे यानी कि पूरी तरह से बेड रेस्ट करना है, पेट के बल सोना है, लंबी लंबी सांस लेनी है, जिससे कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यदि 90 से नीचे सैचुरेशन जाता है तो फिर सोचने की ज़रूरत है, लेकिन यदि 90 से नीचे 85 तक भी है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दवा से, इंजेक्शन से आपका जो है कि जो बीमारी है उसको ट्रीट करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। इसमें कोई भी स्टेरॉयड आप यूज कर सकते हैं। यदि आप जैसे स्टेरॉयड डेक्सोना आता है, ओमनाकार्टिल आता है, ये दवाएं अगर आप यूज करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन लेवल कुछ और हद तक बढ़ जाता है, तो इसको यूज करना चाहिए यदि आपको इस तरह की दिक्कत है तो, यानी कि चेस्ट में कंजेशन है, जैसे कि लगे कि हमारे फेफड़े में कंजेशन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कफ है गले में, तो आप डेक्सोना का इंजेक्शन लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपका सैचुरेशन कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़ जाएगा। और आपको लेट के रहना है, उसके साथ साथ अगर पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाए तो आप उससे चेक कर सकते हैं, यानी कि अपनी पल्स ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहें कि क्या स्थिति है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, दवा करें, बिल्कुल ठीक हैं। यदि आपको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ जा रही है तो भी आप बिल्कुल न घबराएं, दवा करें, ठीक हो जाएंगे। मैक्सिमम मरीज ठीक हो जा रहे हैं, बहुत ही 1% से 1.5% के आसपास जिनको कभी दमा का मरीज, या फिर कहें तो टीवी, या फिर कहें तो निमोनिया, या फिर कहें तो पहले से उनको बहुत लंबे दिनों से खांसी चली आ रही हो, या फिर कोई अलग लंग्स की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो शुगर है, तो ये सब दिक्कत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर आप घबराएंगे नहीं, इलाज करेंगे, रेस्ट करेंगे, तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे।
तो साथियों ये हो गया पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स देखना और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का सैचुरेशन। तो साथियों बस इतना ही, जय हिंद, फिर मिलेंगे, धन्यवाद साथियों।